Marina Sandesh, live. हमें आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में पुलिस चौकी हट्टी मदारी के सामने मुस्लिम इंटर कॉलेज के पास मौजूद हैं और जहां पर एनआरसी और सीए के विरोध में जुलूस निकाला गया है। बच्चे एकत्रित होकर के कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे हैं, मऊ कलेक्ट्रेट की तरफ। देख सकते हैं कि इस समय स्कूल की छुट्टी हुई है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, वीडियो भी बन रही है। यह स्थिति उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ की है जहाँ पर नौजवानों द्वारा सीए और एनआरसी के विरोध में यह स्थिति आप देख सकते हैं इस समय रेलवे स्टेशन गेट पर की है, जहां पर आप देख सकते हैं कि देशभक्ति से ओतप्रोत हमारा मऊ दिख रहा है, सभी के हाथों में तिरंगा दिख रहा है। यह स्थिति मऊ की है जहां पर एनआरसी और सीए के विरोध में साझी शहादत, साझी विरासत, साझी नागरिकता जिंदाबाद। ये देख सकते हैं सभी के हाथों में तरह तरह का बैनर है, पोस्टर है, जुलूस है और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से जिला प्रशासन के सहयोग से ये जुलूस निकला है। सभी के हाथों में तिरंगा आप देख सकते हैं, सभी के दिल में देशभक्ति देख सकते हैं। यह स्थिति उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ की, जहां पे आज 13 जनवरी 2020 को जुलूस निकला हुआ है, जहां पर सभी के हाथों में आप तिरंगा भी देख सकते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से इस जुलूस को जिला प्रशासन की मदद से सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। नहीं कर सकते हैं, इस बात का पैगाम हम आपको देना चाहते हैं। हम लोग कमेटी के लोगों ने, हमारे साथियों ने, बहुत सारे हमारे विद्वान वक्ता बैठे हैं, कम समय लेकर के मैं इन्हीं चंद अल्फाजों के साथ, इसलिए याद रखना, ये कभी 370, ये कभी 3 तलाक, कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान कब्रिस्तान का नारा लगा करके हमारी रोजी रोटी महंगाई, हमारे सवाल जो आज मुंह बाहर खड़ी है महंगाई, इन सवालों से हमारी तहरीक को कमजोर करने के लिए भारत के रहने वाले 130 करोड़ जनता पर थोपना चाहती है। आइए आगे भी ये तहरीक चलेगी, हम सारे लोग अपने सियासी भेदभाव को बुला करके यहाँ पर सारे दल के लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग अपनी अपनी बात कहेंगे। आइए एक चट्टानी एकता बना करके इस मुल्क में अपने जनवादी हकूक अधिकार की लड़ाई को और आगे बढ़ाए। इस जिले के लड़ाकू साथी समाजवादी पार्टी के नेता और मऊ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भाई अल्ताफ अंसारी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आपसे रूबरू हो। सरकार के विरोध में जाती हुई दिखाई दे तो सिर्फ जोरदार ताली बजाओ, हो नहीं करना। यह मुल्क में दो तरह के लोग एक जमाने में जीते थे, आज जिनकी तस्वीरें लेके आप सड़क पे निकले हो, वह कभी घुघरू बांध के आ कभी कभी हू हू हाहाक नहीं करते थे, वह अपने सीनों को लेकर, अपनी छातियों को लेकर इस सरहद के सवाल पर, इस मुल्क के सवाल पर, एक भाईचारगी के सवाल पर, इस मुल्क की एकता के सवाल पर लगातार एक से एक कंधे से कंधा मिलाकर, बाजुओं से बाजुओं को मिलाकर, ताकतों से ताकत को मिलाकर चलते थे। अगर देखना हो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर, देखना है तो वीर अब्दुल हमीद हवलदार अब्दुल हमीद की, देखना है तो तस्वीर मौलाना अबुल कलाम आजाद की, देखना है तो बापू की, जिस बापू ने कहा था एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल भी हम तुम्हारे सामने करते हैं। यह हिंदुस्तान के लोगों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इनको नहीं मालूम कि यह मुल्क गरीबों का मुल्क है। यह हिंदुस्तान की तस्वीर कमजोर लोगों की तस्वीर है। इस मुल्क में बाढ़ भी आती है, इस मुल्क में पानी भी बहता है, इस मुल्क में गरीब भी बसता है, इस मुल्क में छानी और छोपड़ी में रहने वाले लोग भी बसते हैं। और उस मुल्क के नागरिक लोगों से अगर आप कागज मांगोगे, उनसे मुल्क में रहने का सबूत मांगोगे, तो आखिर में यह कब तक, कहां से, ये कौन सी साजिश आप इस देश में लागू करना चाहते हो? एक ही बात का विरोध हम सब लोग लेके आए हैं, सीए के सवाल पर, नागरिकता संशोधन बिल के सवाल पर, जो अपने मनसूबा लेकर इस मुल्क की ताकतों को बांटना चाहते हो। तो आज इस मंच पे बैठे हुए सारे राजनीतिक दल के लोग, सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, सारे हिंदू मुसलमान लोग
एक बात का पैगाम देना चाहते हैं कि मोदी जी यह मुल्क किसी के बाप का नहीं, यह मुल्क हिंदुस्तान सबका है, इस मुल्क में रहने की इजाजत सबकी है। मोदी जी आपसे दो बात का के वापस चला जाऊंगा, आपको अपनी मार्केट लाने में गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री, भारत की राजनीति में आपकी दखलंदाजी और आपकी बीए और एमए की मार्कशीट लाने में न जाने कितना वर्ष लगा कि आपको सार्वजनिक तौर पर आपको उसको पेश करना पड़ा। ये देवारा में राष्ट्रकुंवर सिंह बसते हैं, पूछो इस देवारा के लोगों से, हर साल बाढ़ आती थी, जयप्रकाश राय जी जहां बसते हैं सारोज से तक हो गए, तो इस इलाके से गोरखपुर जहां योगी जी आपकी मठ है वहां भी बाढ़ आती थी, और उस बाढ़ के किसान साथी से पूछोगे कि कागज कहां मिलेगा, तो हम कागज कहां कहां किस सड़कों पे घूमेंगे। यह कागज का सवाल सबके बीच में है, सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है। मुसलमानों को आज तकलीफ क्या है? मुसलमानों को तकलीफ यह है कि जिस वीर अब्दुल हमीद ने हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूं, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है। यह आंदोलन सालिम साहब जब इस मंच से कहते हैं कि आप थोड़ा धैर्य रखो, तो साथियों समझो ये हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बैठे हैं कॉमरेड इम्तियाज साहब उत्तर प्रदेश की असेंबली में, अमरेश पाड़े उत्तर प्रदेश की असेंबली में, सुधाकर सिंह उत्तर प्रदेश की असेंबली में, इन नापाक इरादों को हम सब समझते हो। इस नाते भाइयों आज इन प्रशासन की दहशत में नहीं बोलता हूं, प्रशासन की दहशत में ईश्वर की सौगंध अल्लाह की सौगंध खा के कहता हूं नहीं बोलता, मगर भाइयों अगर कहीं एक चिंगारी भी कहीं दिखाई दे दी तो कहीं ना कहीं आपका प्रोटेस्ट कमजोर हो जाएगा। इस नाते आने वाले साथियों यह प्रोटेस्ट लंबा चलाना है, शाहीना बाग में आज 25 दिनों से 30 दिनों से कल किस तरह का आंदोलन का रूप तैयार किया, एक तरफ सिख का, एक तरफ ईसाई का, दूसरी तरफ पारसी था, मुसलमान था, हिंदू था, हवन भी हुई, पूजा भी हुई, कुरान भी पढ़ी गई। इस तरह का इस देश चाहते हैं हम लोग, इसी देश का आज हम लोगों ने सब कुछ यह साबित करने की कोशिश किया है। आओ मुल्क के लोगों एक बार जरा नारा लगा दो, मैं अपनी बात को खत्म कर दूं। आंदोलन का प्रोटेस्ट की आवाज होती है, थोड़ा तेज आवाज लगे, सालिम भाई लगा रहे थे, अगर किसी का हाथ ऊपर नहीं उठा तो हम सब जगह की आप आंदोलन में नहीं तमाशागीर बन के आए हो, मगर आंदोलन में हाथ एक एक उठा देना साथियों। मैं बोलूंगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, आप बोलोगे जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अभी कत्तई यही बगल में बैठे हैं कप्तान साहब, उनके तक आवाज नहीं गई है, उनको भी अपना कागज पूरा देना है सीएए के नाम पर। मत हंसो, गंभीर होको, चिंतन करो, मनन करो, मगर आपसे दामन फैला के भीख मांगता है तेरा बेटा, अगर जरूरत पड़ी तो यह बल्कि हुई पलटन सभी पलटन अगली कतार में जेल की सलाखों में जाएगी, मगर आपसे एक बात चाहता हूं, तेरा हाथ उठाकर और जिस शांति में से आए हो उसी शांति में से वापस जाना पत्रक देने के बाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद, गांधी जी अमर रहे, बाबा कलाम आजाद अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, डॉक्टर राय अमर रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, काश वाला जिंदाबाद, काश वाला जिंदाबाद, सीएए मुर्दाबाद, काला कानून वापस लो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, बैठ जाए, सच के ठाट निराले होंगे, सच के ठाट निराले होंगे, झूठों के मुंह काले होंगे, कायर घर में दुबके होंगे, सड़कों पे दिलवाले होंगे, सड़कों पे दिलवाले होंगे। साथियों भारतीय जनता पार्टी के पास ये हिम्मत नहीं है कि इस मुल्क के अंदर अपने पर्चे पर अपना नाम जाहिर कर सके। जो वो सीएए के समर्थन में पर्चे बांट रहे हैं, मैं यहाँ एलआईओ आईबी और इस जिले के कप्तान से कहना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करें, ये देश को धोखा देने की बात है। आदरणीय अमरेश चंद पांडे जी आपके बीच में खड़े हैं, हमको तो लगता है कि इस कानून के माध्यम से देश को बांटने का
और संविधान को खंडित करने का कार्य रचा जा रहा है। आज पूरा मुल्क बाबू थोड़ा सा शांति बनावे। हम जिस पार्टी से आते हैं, अभी 28 तारीख को भाई मंच पे देखे कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस थी। प्रियंका गांधी जी वहां भाषण कर रही थी। भाषण में उन्होंने कहा कि सीए की भारत के नागरिकता बिल को भारत की संसद में लाके और भारत का गृह मंत्री बोलता है कि हम इसको पूरे देश में लागू करेंगे। और जब जनता का दबाव पड़ा, जनता जब सड़कों पर आई, तो भारत के प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा कि इस पर कोई अभी विचार नहीं हो रहा है। हमारे सामने अब की कोई सवाल नहीं आया, भारत की कैबिनेट में यह बात नहीं रखी गई। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अभी अल्ताफ जी बोल रहे थे कि जनता का सबसे बड़ी जनता की ताकत है। आप जितनी बड़ी संख्या में आए हैं और देश के सामने जितने लोग नौजवान आज सड़कों पर उतर करके इसका विरोध कर रहे हैं, मैं आपसे निश्चित रूप से इस बात को कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से भारत की सरकार को इस बिल को वापस लेना पड़ेगा। अगर वापस नहीं लिया तो यह मुल्क हिंदू का है, यह मुल्क हिंदुस्तान में हिंदुस्तान बोला जाता है हिंदू का है, या मुसलमान का है, या सिख का है, या ईसाई का है, या संविधान भारतवर्ष का है, यहाँ के रहने वाले सभी मुल्क के रहने वाले लोगों का है। इसलिए इस संविधान के खिलाफ अगर कोई छेड़छाड़ी किया गया तो निश्चित रूप से यह भारतवर्ष इसको माफ नहीं करेगा, यहाँ का नौजवान माफ नहीं करेगा। हम सब लोग आपके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिस दिन यह बिल आई उसी दिन से लेके आज तक कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व इस बिल का विरोध कर रहा है और आने वाले अंतिम समय तक भी इसका विरोध करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई देते हुए हम सब एक नज्म के लिए हमारे साथी शाहिद अनवर आ गए हैं। मैं उनसे चाहता हूं कि ये नौजवान, ये मुल्क की इबारत लिखने वाले नौजवान अपनी नज्म से आप सबको नवाजे। कि मसनद हिंद पर वो जो गद्दार है उसके बारे में कहना भी दुश्वार है। कि मसनद हिंद पर वो जो गद्दार है उसके बारे में कहना भी दुश्वार है। चौकीदार बहुत शुक्रिया, यही हौसला चाहिए कि चौकीदार है एक तली पार है। क्या तमाशे की भारत में सरकार है, क्या तमाशे की भारत में सरकार है। ऐसी सरकार से ऐसे गद्दार से जी पेश करता हूँ, सुनिएगा। कि कुर्सियाँ खींच लो चाबियाँ छीन लो, कि जिसने बच्चों से ले मोहनर ले लिया सारे बैंकों से माल और जर ले लिया, सारे बैंकों से माल और जर ले लिया। अच्छे दिन अपने भारत के
बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ जी। पढ़ू जी, पेश करता हूँ साहिब अंसारी साहब की, पालकी साहब सभी की दुआ चाहता हूँ अल्ताफ अंसारी साहब की, कि वो हसी बड़े हिंदू मुस्लिम से करे ताहे धोखा धड़े, तंग है आज जी से हर के आदमी, ऐसे अय्यार से ऐसे मातार से, ऐसे अय्यार से उसकी सरकार से, कुर्सियां छीन लो चाहिया पेश करता हूं बतौर खास कि सब बहारों को जिसने खिजा कर दिया, छननी छननी कही जिसे मजा कर दिया, कितना बदनाम हिंदू सिता कर दिया, कितना बदनाम हिंदू सिता कर दिया, ऐसे बदकार से सरकार से कुर्सियां खींच लो चाबियां छीन लो, कुर्सियां खींच लो चाबियां छीन लो। बहुत बहुत शुक्रिया। रात दिन एक करके हम सबको जोड़ने वाले हमारे साथी आदरणीय इकबाल अहमद मोहदी जी, रात 1 बजे उन्होंने मुझे फोन किया और सवेरे 5 बजे फोन किया, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी लगन और कितनी मेहनत उन्होंने की। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि चंद शब्दों में वो अपनी बात अपना संदेश दे। बड़ा जबरदस्त बोलते हैं ये। कौन पार्टी से? कोई पार्टी नहीं, मंच पे बैठे हुए तमाम सम्मानित लोग और जिले के कोने कोने से आई हुई सम्मानित जनता, मैं आप तमाम लोगों का मऊ नागरिक मंच की तरफ से पुरजोर स्वागत करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने नागरिक मंच के छोटे से आह्वान पे, जिसका कोई बाज़ाब्ता ऐलान भी नहीं किया गया था, जिसके परमिशन के लिए बहुत हमको झेलना पड़ा था, ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं जो तंग पड़ गया है, इसको सफाई के लिए हमको 2 दिन का टाइम भी नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दिन एक रात करके इस मैदान को इस लायक किया कि इसमें हमारी कुछ तादाद आ जाए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि हम लोग खुद शर्मिंदा हैं कि आप लोगों का बेहतर इंतजाम नहीं कर सके। बहरहाल जो कुछ भी हो सका, हमारे तमाम साथियों ने दिन एक रात करके इस मैदान को इस लायक बनाया कि आप इसमें शामिल हो सके। बहरहाल मैं चंद लफ्जों में अपनी बात रखूंगा। हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं वो CAA, NRC और NPR के ताल्लुक से हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जिसका विरोध हम लोग यहाँ करने के लिए आए हैं, और संविधान को बचाने के लिए हम आए हैं, इसलिए कि संविधान के अंदर किसी भी तरह का भेदभाव हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नहीं है। जो CAA लाया गया है उसमें ये प्रावधान है कि बाहर के मुल्कों से, जिस 3 मुल्कों का नाम लिया गया है, वहां से जो अकलियत के लोग, जिसमें मुसलमानों को छोड़ दिया गया है, उनको शहरियत देने का काम किया गया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह का भेदभाव न करें, इसलिए कि सताए लोग मुल्क के अंदर अकलियत भी होती है, अक्सरियत भी होती है। आप अपने मुल्क में देख लीजिए प्रधानमंत्री जी, आपने कितने लोगों को सताया है। यहाँ हिंदू मुसलमान सब इकट्ठा है, आप खुद अपने मुल्क में हिंदुओं को, मुसलमानों को, सबको सता रहे हैं, तो क्या यह कहीं हिजरत कर जाए। इसलिए मैं ये कहूंगा कि जो लोग भी हमारे मुल्क में किसी भी मुल्क से आए हुए हैं, उन तमाम लोगों को पनाह गजी और उनको यहाँ पे
नागरिकता देने का आप काम करें। आप ये कह रहे हैं कि ये CAA नागरिकता छीनने का नहीं, नागरिकता देने का यह कानून है, तो क्यों आपने उसमें फिर कर्मपरस्ती और मुसलमानों को छोड़ के ये काम है? हक हमारा, हम जान से चलेंगे, प्यारी प्यारी आजाद देश से, गांधी वाली अंबेडकर वाली आजादी वाली नेहरू वाली असाकुल्ला वाली बिस्मिल वाली भगत सिंह वाली कलाम वाली ज्योतिबा वाली फातिमा वाली लक्ष्मी वाली जफर वाली सुभाष वाली गंगाधर वाली प्रसाद वाली मंगल वाली हसन खा वाली हिमता वाली, जोर से बोलो, आवाज लगाओ, डर के बोलो, बढ़ के बोलो, बच्चों बोलो, पीछे से बोलो, बूढ़ों बोलो, तुम भी बोलो, हम भी बोले, जोर से बोलो, हम लेके रहेंगे। हम सीए को बायकॉट करते हैं, जान से बोलो, तुम रोकना हो तो रोक लो, हम ले कर रहेंगे आजादी। बैठो साथियों, पहले भ्रूणों का गुलाम था, फिर पुत्रकालियों का गुलाम था, फिर आर्यों का गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम तो 250 वर्ष तक रहा। और अंग्रेजों को हटाने के लिए 1857 में ये देश आजाद हो गया होता, जो क्रांति नानाजी पेशवा डॉक्टर बिट्टू गाड़गिल झांसी की रानी तात्या टोपे लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लड़ी गई, यदि वह क्रांति अधूरी नहीं होती तो 57 में ही अंग्रेज भारत छोड़कर चला गया होता। फिर 57 बरस के बाद अब्दुल कलाम आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस ने दूसरी जंग की लड़ाई को लड़ा और आते आते वीरेंद्र जी उत्तर प्रदेश में तो एक पहली सरकार बनी, अंतरिम सरकार जिसको कहा गया 1938 में, जब सैयद सर नवाब काजिम अली खान उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हुए थे और उनके मंत्रिमंडल में आप ही की माटी का बेटा पंडित हलगुराज शास्त्री वन मंत्री थे। और 14 अगस्त 1947 को 11:59 पर भारत का आखिरी वायसराय माउंटबेटन हिंदुस्तान छोड़ के जाने का डिसीजन कर लिया। संविधान सभा का गठन हुआ जिसके चेयरमैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र की हिम्मत किया, हमारे जैसा नौजवान 14 वर्ष की अवस्था में 19 महीना 18 दिन जेल के सलाखों में जाकर के उस कानून को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। रहना पड़ा 19 महीना 18 दिन, लेकिन वो भी कानून को समाप्त करना पड़ा। लेकिन आज जो जिनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हम तो आज भी कह सकते हैं इस मंच से, नागरिक मंच से, हमारे दोनों बड़े नेता हैं भाई इम्तियाज जी बड़े, एक कोई भारत का व्यक्ति बता दे कि आजादी की लड़ाई में कोई भाजपा का राष्ट्रीय नेता जेल गया हो तो हम राजनीति छोड़ने को तैयार हैं। एक नेता का नाम बता दे, इतिहास इस बात का साक्षी है, एक भी व्यक्ति पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो स्वर्गीय हो चुके हैं, आडवाणी से लेकर मोदी तो 75 में भी जेल नहीं गए, इनकी क्या औकात हम बताओ, एक भी नेता जेल जाने का काम नहीं किया है। और उत्तर प्रदेश और देश की सरकारों पर इनका कब्जा है, नित्य झूठ बोलना, फ्रॉड करना। हिंदुस्तान में मुद्रा स्थिति 4% तक आ गई, आपकी समस्या का समाधान न करना, केवल फालतू बात फालतू कानून ला करके आपको दिमाग को डिस्टर्ब करना ही सरकार का केवल काम रह गया है। योगी और मोदी, जो योगी बैठे हैं
इनको भोजन बढ़िया नहीं कर रहा है, ये खिचड़ी खा लेंगे, जूता नहीं पहनेंगे, 5 रुपए का लकड़ी पहन लेंगे। लड़कों को फीस कापी नहीं देना है, लड़कों को फीस कापी नहीं देना है, दर्री पर चौकी पर सो जाना है और भभूत बांटना है, जैसा नीचे वैसा ऊपर, न उसका कोई इस देश में है न इनका कोई देश के अंदर। इनको गरीबी गरीबी से कोई मतलब नहीं है, इनको बस केवल कुर्सी चाहिए, कुर्सी को झूठ बोल करके फ्रॉड कर करके 420 कर करके ये रात के रात गणेश जी को दूध पिला देते हैं सब। इतने बड़े फराटिया हैं सब, बहुत बड़े फराटिया हैं। इन फराटों से लड़ने के लिए आज जो सारी ताकतें एक स्थान पर इकट्ठा हुई हैं, यही हाल हुआ था इमरजेंसी में जब सारे दल इकट्ठा हुए। कोई नाराज भाई नहीं होगा, कहें कि उसी तरह का हुकूमत है जिसको नाश करना है। तो सारे लोग, हमने कहा कि 14 वर्ष की अवस्था में 19 महीने सजा काटनी पड़ी, सारे लोगों को एक मंच पर आकर के, या मोदी और योगी और जो अमित शाह दंगाई जो दंगों का सरदार है और भारत के गृह मंत्री है, इनको हटाने के लिए एक होना पड़ेगा, एक होकर के इन सबों को खुद से समुद्र पार भेज करके बनाने वाली कानून बनाना पड़ेगा कि तुम पहले देखो, तुम जाओ यहां से। आज मैं धन्यवाद देता हूं बहुत नेता हूं, बहुत तुम्हारे सब बड़े नेता है, इसलिए भाषण ज्यादा नहीं देना है। परमिशन 2 जगह मांगा गया था, घोसी और मऊ। बड़ी मेहनत के बाद तो मऊ का मिल गया, घोसी में गिरफ्तार करके लेकर सब चले, गिरफ्तारी हो गई। हमारे लड़के हैं ब्लॉक प्रमुख, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई, ले जा रहे हैं सब हलदकपुर की तरफ, अभी पता चला। तो कुछ भी करना पड़े, जेल, लाठी, गोली, मौत, ये तो सब आने वाली है ही है, लेकिन उससे आप डर जाएंगे तो यह काला कानून खत्म नहीं होगा। हर संघर्ष के लिए लड़ने के लिए आप तैयार रहिए, हम लोग आगे आगे रहेंगे, आप पीछे पीछे रहिएगा। जय हिंद, जय समाज। आपका जो बिल है आप जल्दी उसको पास करके हर हिंदुस्तान के खाते में 15 लाख की आप जो है। संविधान पर आज हमला है, छात्रों पर आज हमला, अकलियत पर हमला है, उठो और इस देश के जो राष्ट्र विरोधी है, जो आजादी विरोधी है, उनको इस देश से, इस सत्ता से बाहर करना है। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एंकर आप जिंदाबाद। ताबिश रेहान जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और एक अपनी नज़र से अपनी बात रखे। तेरी ये झूठी हुकूमत हमें कबूल नहीं। एक एक शख्स के मैं शिरकत चाहूंगा समाप्त फरमाए। तेरी ये झूठी हुकूमत हमें कबूल नहीं, तेरी ये झूठी हुकूमत हमें कबूल नहीं। जुलूम और माशाल्लाह बहुत अच्छा मंजर समाप्त हुआ। मैं इस झंडे को लहराने दीजिए, झंडा लहराइए लेकिन खड़े मत होइए। इंशाल्लाह यही झंडा हमेशा लहराएगा। Yeah.
बताया जा रहा है, ऐसे नाते की बात कर रहा हूं कि ए नारी सी किस सूरत माशाल्लाह कि तेरी ये झूठी हुकूमत बड़े बड़े लोग मिट गए, इन चंद लोगों की क्या औकात है। समाप्त हो पाए कोशिश के में पेश करता हूं। हमारे मुल्क के चाहे जो भी जिम्मेदार हो, हम उनके रुतबे की उनके ओहदे की कदर करते हैं, लेकिन हम उनकी गंदी सियासत को कभी कबूल नहीं करेंगे। एक शेर में आयो झंडा खड़ा रखें, लहराए मत, खड़ा रखिए आप लोग, झंडा खड़ा रखिए टाइट। तेरी झूठी सियासत हमारा, ये भी संविधान है, ये भी कानून है, चाहे जिसका जो रुतबा हो हम उसके रुतबे के लिहाज से उसकी कदर करेंगे। समाज पर मैं कि तुम्हारे कि तेरी ये झूठी हुकूमत हमें तो नींद न आई, तो तुम भी जागोगे, हमें तो नींद न आई, तो तुम भी है कि इन लोगों ने राष्ट्रभक्ति का इतना इम्तिहान लिया। वो लोग आप इत्मीनान रखिएगा कि जो पाकिटों में पाकिस्तान का झंडा और टोपी लेके घूमते हैं, अब इस तिरंगे को इतनी जहां तक रखना है कि उनकी ये सारी सियासत नाकाम हो जाए, उनकी साजिशें। मैं भाई राजकुमार सिंह को आमंत्रित करता हूं, कैप्टन सहनवाज, कैप्टन सहगल, कैप्टन ढिल्लन और कैप्टन नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक सिख और एक ईसाई। आजाद हिंद फौज की स्थापना के समय, और सही कहा सुधाकर सिंह जी ने, अरे मोदी, अरे योगी और तड़ीपार गुंडा अमित शाह,
बड़ी बार गुंडा हो तुम। आप कानून बना रहे हो देश को बांटने वाला कानून, हिंदुस्तान के संविधान के साथ मजाक कर रहे हो। तो कांग्रेस पार्टी ने सालिम भाई, आज यहां हम सर्वदलीय सभा कर रहे हैं तो सोनिया गांधी दिल्ली में भारत के सारे विपक्षी दलों को लेकर दिल्ली में रणनीति बना रही है इस काले कानून के खिलाफ। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है उत्तर प्रदेश चाहे पूरे हिंदुस्तान में हम उनको शहीद का दर्जा देंगे, उनको हम शहीद मानेंगे। कांग्रेस की हुकूमत बनेगी तो जितने मऊ के 40-25 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जितने नॉमिनेटेड लोग होंगे हम मुकदमा वापस लेंगे, क्योंकि वह आंदोलन हम मुकदमा वापस लेंगे। और आज मैं कहना चाहता हूं, एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि एक आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई थी सालिम साहब, सही बात है कि दूसरी आजादी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी को नष्टानाबूद करके जंगी आजादी की लड़ाई का एहसास करते। आज मैं कहना चाहता हूं मऊ नागरिक मंच से अरविंद मूर्ति भाई से कि अरविंद मूर्ति जी, इस आंदोलन को आज मऊ मुख्यालय पर हुआ चारों तहसीलों पर करिए, यह आंदोलन गांव गांव में फैले, हर कस्बे में फैले, हर गांव में जाए। यह आंदोलन की ऐसी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि कोई फरेबों से लड़ना है, जालसाजों से लड़ना है। ये फरेब और जालसाज, इनके खिलाफ हर नागरिक को जागरूक करना है। आइए हम संकल्प लें, आइए हम कसम खाएं कि हम दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ेंगे और योगी और मोदी को इस देश और प्रदेश से भटा के दम लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जय प्रकाश। थोड़ा धैर्य रखिए, इसलिए जरूरत यह है कि हमें इस पूरी स्थिति पर बहुत संजीदा होने की जरूरत है, बहुत गंभीर होने की जरूरत है। गोपाल राय। साथियों, हम चाहेंगे कि एक बार मैं नारा लगाऊंगा कि भारत माता की जय, तो आप भी मेरे पीछे साथ देंगे कि भारत माता की जय। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। साथियों, इस देश में जो ये रंगा बिल्ला की सरकार आई हुई है, ये सरकार तानाशाही तरीके से इस देश को चलाना चाहती है। उनके अंधभक्त कहते हैं कि इस एनआरसी से सिर्फ मुसलमानों को डर है। मैं उन अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं साथियों कि आप ही की सरकार कहती है कि इस देश में 30 करोड़ लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है, तो साथियों हम उन अंधभक्तों से पूछना चाहेंगे कि हम मानते हैं चलो आप मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश भेज दोगे एनआरसी के बहाने, लेकिन इस देश में जो 30 करोड़ दलित हैं आप उनको कहां भेजोगे? साथी, आप उनको कहां भेजोगे? क्या कोई नया देश बसाओगे उनके लिए? नहीं, ये सिर्फ ढकोसला है इस सरकार की। एनआरसी के बहाने, कैप के बहाने, सीए के बहाने हमारा ध्यान भटकाया जा रहा है। आप देखें, जो गैस सिलेंडर 655 रुपए का था एक महीने पहले, आज उसकी कीमत 790 रुपए हो गई है। साथियों, इसी एनआरसी के शोरगुल में भारत में 150 ट्रेनों को प्राइवेट अंबानी और अडानी को बेचा जा रहा है। जो भारतीय रेलवे को इंडियन ऑयल तेल की सप्लाई करती थी, आज उससे ये अधिकार छीनकर अंबानी की कंपनी रिलायंस को दिया जा रहा है। साथियों, ये व्यापारी की सरकार है। चाणक्य ने कहा था कि जब किसी देश का राजा व्यापारी हो जाएगा तो या तो उस देश की जनता खुशहाल हो जाएगी या तो उस देश का राजा खुशहाल हो जाएगा। तो आप देखें, इस देश की जनता तो बेहाल है, किसान बेहाल है, जिसके खेतों में योगी जी ने एक छुट्टा सार भैंसा छोड़ दिया है, जो रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी ड्यूटी रोजगार के रूप में लगा दी गई है कि आप अपने खेतों की रखवाली करते रहे, इसी में आपका समय कट जाए और आप इस देश के सरकार से कोई सवाल नहीं कर सके। साथियों, ये सवाल होगा एक मत में, और तब तक होगा
ये एनआरसी की लड़ाई नहीं है, हम एनआरसी को तो खत्म करेंगे ही करेंगे, ये लड़ाई हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक एनआरसी लाने वाले जैसे सोच के लोगों का अस्तित्व इस देश से न खत्म हो जाए, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। जय भीम, जय भारत। इंडिया चीनी मिल फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर सिंह जी रसड़ा से चल के आए हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से स्वागत करता है। सैकड़ों नाम हमारे बीच साथी जो यहाँ आए हैं, रमन पांडे जी, ब्रह्मानंद जी, नंदकिशोर सिंह जी, यूपी राय एडवोकेट साहब जो हम लोगों के बहुत ही शानदार वकील हैं और एनआरसी और सीए के बहुत जानकार साथी हैं, मैं सबका दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच नसीम अपाही हैं जो एक बड़ी इंटेलेक्चुअल महिला है, एक कॉलेज की प्रिंसिपल है और गांव-गांव में महिलाओं के बीच इन सवालों पे जाके उनको टीचिंग करती हैं। अब हम आप सबके बीच अपने इस शहर के रहनुमा और साथी जिन्होंने रात दिन एक करके, और आपको बताएं कि हंसी आ रही है इसलिए कि पूरा प्रशासन हम 20 लोगों को बैठा के भी इनको खोज रहा था कि इनकी अंडरटेकिंग के बाद ही हमको मुतमईन होंगे कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस जलसे को करेंगे। तो मैं साथी अरशद जवान को आमंत्रित करता हूँ कि आप मुतमईन करिए इस जनता को भी, इस प्रशासन को भी, कि ये एनआरसी की लड़ाई बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से होगी। साथी अरशद जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो आप लोगों का इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो तमाम जिम्मेदारों की ख्वाहिश थी कि आप ऐसे डिसिप्लिन और ऐसे महज़ब अंदाज में इस जलसगाह तक पहुंचिए कि लोग दंग रह जाएं, तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि पूरा जिला प्रशासन और तमाम लोग दंग रह गए आप जितनी खामोशी और जितनी डिसिप्लिन के साथ वापस आए हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आपको वापसी में जब आप इससे भी और शांतिपूर्वक तरीके से वापस जाएंगे तो तमाम जिले के तमाम अधिकारी, तमाम पार्टियों के, पॉलिटिकल पार्टियों के तमाम नेता, तमाम हमारे मजहबी उलमाए कराम, तमाम सामाजिक जो संगठन है, वो सारे के सारे लोग आपको इसी तरह से मुबारकबाद देंगे और दिल के अंदर से आपको दुआएं देंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जिस लड़ाई का आगाज 16 दिसंबर को हुआ था वो लड़ाई अभी शुरू हुई है और वो लड़ाई अभी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि जिन लोगों से हमें लड़ना है वो कहीं और से सीख कर आते हैं। और आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि मुल्क को आजाद कराने के लिए 1857 से शुरू हुई जो आजादी, वो 1947 में जाकर यानी 90 सालों में मुल्क को हमने आजाद कराया था और अंग्रेजों को भगाने में 90 साल का समय लगा था। और आज एक ऐसा कानून या ऐसे लोग जो इस मुल्क को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं, ऐसी ताकतें जो मजहब के नाम पर नफरत फैलाकर हमारी सभाओं में इंतजार पैदा करना चाहती हैं, जो अंग्रेजों की पॉलिसी के एतबार से डिवाइड एंड रूल, बांटो और हुकूमत करो के आधार पर अपनी सत्ता चलाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से भी इस मुल्क को मुक्त करना है और आजादी दिलानी है। तो जब तक हम आजादी नहीं दिला लेंगे तब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा और चलता रहेगा। हमारी ही बिल्ली हम ही से म्याऊं, हमारी ही बिल्ली और हमेशा में हो, हमारा देश है और आप हमेशा प्रूफ मानते हो। वो लोग जिनका कोई किरदार नहीं मुल्क की आजादी में, कोई रोल नहीं, जो लोग भी तारीख के पढ़ने वाले हैं वो चार नाम बता दें इन लोगों का जो आज बड़े बड़े दावे करते हैं और तिरंगा सरों पे उठाकर ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि वही देश के वफादार है और बाकी लोग देश के वफादार नहीं है। इतिहास को पढ़िए और ऐसे नामों को तलाश करने में आपको दिक्कत हो जाएगी जो आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और उन लोगों को तारीख में दफन करने की कोशिश की जा रही है जिन सारे हजारों और लाखों लोगों ने अपनी गर्दनें कटा दी और इतिहास में नाम दर्ज कर दिया, उनका नाम लेने को तैयार नहीं है। मैं पूछता हूं कि मेरी नस्लों ने, मेरे बाप दादाओं ने, मेरी नस्ल दर नस्ल ने इसी मुल्क में जन्म लिया और इसी मुल्क की मिट्टी में दफन है, मेरी नस्लें इसी मुल्क की मिट्टी में दफन है,
मेरे पूर्वज यही उनकी चिताएं जली हैं, मेरे पूर्वजों की चिताओं की अस्थियां यही गंगा से बहते हुए समंदर और सागर की धाराओं में गई हैं, और आप हमसे सबूत मांगते हो कि हम सबूत दें कि हम इस देश के नागरिक हैं, जिनकी नस्लों का पता नहीं, वो वजूद उनसे मांगते हैं जिनकी नसल दर नसल यही पैदा हुई है और उनकी अस्थियां यही की नदियों में बहाई गई हैं, हम क्यों सबूत दें आपको? कोई सबूत नहीं देंगे, एक भी प्रमाण नहीं देंगे कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम तो इस देश के नागरिक हैं ही। अगर आपको लगता है कि हम इस देश के नागरिक नहीं है तो आप बताओ हम किस देश के नागरिक हैं, और लिखवा के लिए उस देश से जिस देश के हम नागरिक हैं, हम प्रमाण देने नहीं जाएंगे आपको, अब होते कौन हमको प्रमाण मांगने वाले, मैं पूछता हूं आप होते कौन हो हमसे प्रमाण मांगने वाले, आपको किसने दिया ये अधिकार, हमने आपको कुर्सी पे बिठाया है, हमने आपको कुर्सी पे बिठाया है, और हमारे ही द्वारा जब आप कुर्सी पे बिठाए गए तो हम ही से पूछते हो कि आप प्रमाण करो कि आप इस देश के नागरिक हो, जब वोट लेना था तब क्यों नहीं पूछा कि वोट वही देना जो इस देश का नागरिक है, तब क्यों नहीं पूछा? मुझे शर्म आती है जब देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हुए लोग ये बात बोलते हैं कि हमने ये कानून हम जो ले आए हैं ये नागरिकता देने के लिए ले आए हैं, नागरिकता लेने के लिए नहीं ले आए हैं, और जो आप जुबान से कुछ बोलते हो और कागज पे कुछ बोलते हो, मैं पूछता हूं आसाम में रहने वाले उन 5 लाख मुसलमानों को नागरिकता कैसे मिलेगी? CAA के तहत आपने असम को मुस्तशरा कर दिया, असम को उस कानून में शामिल नहीं किया, तो असम में रहने वाले उन 14 लाख हिंदुओं को नागरिकता कैसे मिलेगी? आप बताओ कि त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के आदिवासी जो उनको नागरिकता कैसे मिलेगी? आप मुझे बताओ कि जो हमारे इस मुल्क के बगल में तमाम पड़ोसी हमारे मुल्क हैं, चाहे वो बांग्लादेश और पाकिस्तान और इनके 3 मुल्कों के अलावा जो हमारी पड़ोसी सीमाएं हैं, जिसमें हम नेपाल से लेकर और दूसरे जो तमाम ममालिक हैं उन मुल्कों से जो लोग यहां करोड़ों लोग यहां रहते हैं उनको नागरिकता आप कैसे दोगे? 130 करोड़ लोग जब कागज के अभाव में करोड़ों की संख्या में सड़कों पर टहलेंगे, मैं पूछता हूं कि 20 लाख लोग असम में क्यों नागरिकता का प्रमाण नहीं दे पाए, जिनके घर में खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, रहने को घर नहीं, एक छत नहीं, उनसे आप कागज की उम्मीद रखते हो? आप लोग बैठे हुए, मैं आप में पूछूं कि आपके पास कितने कागजात हैं, तो आप लोगों में भी शायद 10% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र से लेके तमाम अपने नागरिकता का कोई प्रमाण होगा। देश के अंदर दूसरे तमाम मसाइल हैं, उन मसाइल से नजरें हटाने के लिए हमको उलझाया जा रहा है। साथियों, ये नफरत की राजनीति हमारी सफों में इंतजार पैदा करके अब जो असल मुद्दे हमारे हैं उन मुद्दों से हमें भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। एक बात मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, मुझे और कुछ नहीं कहना है, कि आप अपनी सफों में मजहब के नाम पर बंटवारा मत करना, और मजहब के नाम पे अगर बंटवारा आपने नहीं होने दिया तो इनकी तमाम साजिशें नाकाम हो जाएंगी, मेरा यकीन है, मेरा दावा है। आपके पड़ोस में जो आपके मजहब के अलावा के रहने वाले लोग हैं, हम तो इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, क्या कहा हमारे मजहब ने? हमारे मजहब ने कहा कि अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोया है और तुमने पेट भर के खाना खाया है तो तुम मुसलमान नहीं हो, और यह नहीं कहा कि पड़ोसी किस मजहब का होगा, सिख है, ईसाई है, हिंदू है, मुसलमान है, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो और तुमने पेट भर के खाना खाया है तो तुम मुसलमान नहीं हो, हमारे मजहब ने तो यह सिखाया है। तो आप इस साजिश को समझिए, और जो आपके रहनुमा हैं इस आंदोलन में रहनुमा और जो आपके तमाम जिम्मेदार लोग हैं उनके बताए हुए रास्तों पे आप चलेंगे तो ये लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी, और इस लड़ाई को हम जीत कर चैन लेंगे, और इस कानून को वापस करा कर ही हम लोग चैन लेंगे। मैं इन्हीं सब बातों के साथ तमाम जिम्मेदार साथियों का, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का, तमाम जितने संगठन है हमारे साथ खड़े हुए उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद। अरशद भाई, हम भी आपको मुतमईन करना चाहते हैं कि ये योगी और मोदी जी सिर्फ हिंदू नहीं है, हमारे हिंदू मजहब, हमारे सनातन ने भी कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा घर है, ये मक्कार हमारे नहीं है जो उस हमारी बात को नीचा दिखाना चाहते हैं। हमारी गीता ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम, और इसलिए हम आपके साथ
कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं कि हम जैसे अशफाक और बिस्मिल ने शहादत दी इस मुल्क के लिए, वैसे अरविंद और अरशद जैसे लोग भी शहादत देंगे, ये आने वाला वक्त साबित करेगा। इसलिए मैं अपनी बहन अर्चना उपाध्याय को आमंत्रित करता हूं कि आप आए, यहाँ महिलाएं आज जरूर कम है लेकिन शाहीन बाग यहाँ भी है बीच में बैठा हुआ। आप मुतमईन रहिए कि यहाँ भी हमारी माताएं बहनें आके आपके बीच में इस ठंडी में बैठी हैं। हमारी अर्चना बहन से गुजारिश है कि चंद शब्दों में अपनी बात आप पहुंचाएं। मैं आप सभी सम्मानित बंधुओं का शुक्रिया अदा करूंगी क्योंकि नागरिक मंच ने बड़ा ही जोखिम उठा करके जिलाधिकारी को, एसपी महोदय को, सबको ये आश्वस्त किया था कि हमारे लोग जो आएंगे, चूंकि ये बड़ी बहुत ही लंबी लड़ाई है, बहुत ही बड़ी लड़ाई है, तो सब लोग शांति से इस लड़ाई को लड़ेंगे। बड़े ही धैर्य के साथ हमें लंबी अभी हमारी यात्रा है और हमारे सभी एलआईयू के साथियों से निवेदन करूंगी कि आप लोग पूरा ध्यान उधर रखें। जो लोग हम जिनके समर्थन में हम लोगों ने ये सभा आयोजित की है, उनके विपरीत जो लोग हों उन पर आपका ध्यान। सम्मानित अध्यक्ष मंडल, नागरिक मंच के लोग है तो शाहीन बाग में बैठी हुई तमाम महिलाओं के तरफ से चंद शब्द मोदी जी से पेश करती हूँ। मोदी जी, मान लीजिए मैं गुजरात की महिला हूँ, मेरी शादी हुई मध्य प्रदेश में, मेरे पति के जो पिता थे वो उत्तर प्रदेश के थे, सब लोग अपने अपने काम से थे, हमारे पास जमीन जायदाद नहीं थी, किसी तरह रोजी रोटी गुजर बसर कर रहे थे, हमारा जो कुछ भी था वो बिक गया, जहाँ हम मजदूरी कर रहे थे, जहाँ काम कर रहे थे वहाँ हम बस गए, अब आप कागजात मांगोगे तो हम कहाँ से देंगे। बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, हिम्मत के साथ बस इतना कहूंगी कि आप सब जोश में और होश में रहिए। मोदी जी, इतना आपको इन सभी तरफ से एक भेजती हूँ सबके तरफ से संदेश कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से, इंकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड इम्तियाज साहब को आमंत्रित करता हूँ। मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा लेकिन कुछ प्रसंग मैं आपको बताना चाहता हूँ और जब तक आप इसको समझेंगे नहीं तब तक आप इस लड़ाई को उतने जोश खरोश के साथ नहीं लड़ पाएंगे। हमारे मुल्क की आजादी 1947 में मिली थी, 15 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त को आरएसएस जो इस सरकार को चला रही है और वजीर आजम अपनी रिपोर्ट जाके नागपुर में भागवत जी को पेश करते हैं आरएसएस के हेडक्वार्टर पे, वही आरएसएस जिसका सपना था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाए, उसका एक अखबार हिंदी में पांचजन्य चलता है और अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर है। 14 अगस्त 1947 को ऑर्गेनाइजर में लिखा गया, एडिटोरियल लिखा गया कि कल ये मुल्क आजाद हो जाएगा और कुछ लोग तिरंगा झंडा हमारे हाथों में थमाने वाले हैं। तीन रंग तो अपने आप में अशुभ है, हिंदू कभी इस झंडे को स्वीकार नहीं करेगा, ये उसमें लिखा गया। और हमारा झंडा, हिंदुओं का झंडा भगवा झंडा है और इसीलिए आप देखते होंगे कोई एहतराम नहीं है, वो झंडा जरूर लेके चलते हैं लेकिन उल्टा लगाते हैं, इसकी तौहीन करते हैं, आप तो इज्जत के साथ इसको सीधा लगाए हुए हैं, वो वक्ती तौर पे उसका सहारा ले रहे हैं। गांधी की हत्या इसी विचारधारा ने किया था, हिंदू महासभा और आरएसएस के लोगों ने मिलकर किया था, लेकिन आज गांधी जी की तस्वीरें छाप के पर्चे बांटे जा रहे हैं, ये धोखा किया जा रहा है। आरएसएस के सरसंग चालक गुरु गोलवलकर ने अपनी किताब में लिखा है कि इस मुल्क में हिंदुओं और मुसलमानों का जो रिश्ता है वो मकान मालिक और किराएदार का है, मकान मालिक जब तक चाहेगा तब तक किराएदार रहेगा और जब नहीं चाहेगा तो उसे निकाल बाहर करेगा। वो टू नेशन थियरी जो थी जिसे जिन्ना के नाम से मंसूब किया गया वो दरअसल सावरकर ने दिया था। कर्णावती में अहमदाबाद के पास एक जगह है जहां हिंदू महासभा का अधिवेशन का
उद्घाटन करते हुए सावरकर ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकते। उसी बात को जिन्होंने आगे बढ़ाया था, लेकिन आज सावरकर का नाम कोई नहीं ले रहा है। उसने बीज उसने बोया था। तो आरएसएस इस मुल्क में हिंदू राज बनाना चाहती है और मजहबी अकलियतें हैं, उन्होंने अपनी किताबों में इनके गुरुओं ने लिखा है, वक्त नहीं है वरना तफसील से बताता, ये लिखा है कि इस मुल्क में जो हिंदुओं के अलावा दूसरी मजहबी अकलियतें हैं वो नंबर दो की सिटीजन रहेंगी। इतने बड़ी आबादी को वो किसी एनआरसी कैंप में, कंसंट्रेशन कैंप या एनआरसी कैंप में नहीं भेजने वाले हैं। वो करने वाले ये हैं, जो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि देर सवेर आगे चल के वो सिटीजनशिप की जो राइट है आपका जो अधिकार है सरकार बनाने और बिगाड़ने का, वो अधिकार आपसे वो छीनने वाले हैं। इस मुल्क में कहेंगे आप रहिए, आप अपना बिजनेस कीजिए, लेकिन वोटिंग राइट आपका नहीं रहेगा, आप किसी अधिकार को नहीं मांग सकते, ये उनका मंसूबा है। और इसीलिए उन्होंने ये कानून धीरे धीरे बनाना शुरू किया। अब नेशनल जो पॉपुलेशन रजिस्टर है, अब मैं दो मिनट में आता हूं आखिरी बात पे, उसमें जो 2010 से चल रहा है, 18 में उन्होंने क्या तब्दीली की, उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन आपसे आधार कार्ड से लेके और दूसरी इंफॉर्मेशन टेलीफोन नंबर वगैरह तो मांगा ही। खैर, ये मान लिया जाए कि आज वक्त की जरूरत है कि किसी आदमी की पहचान के लिए इन चीजों की जरूरत है, लेकिन आप अपने वालिद की सुकूनत बताएं, उनकी जन्म तिथि बताएं, ये चीजें उसमें जोड़ी गई हैं। और इसलिए जोड़ी गई हैं कि अमित शाह ने जो घोषणा की पार्लियामेंट में, हम पूरे मुल्क में एनआरसी को लागू करेंगे, तो ये चीज उसमें उनके लिए मुआविन साबित होगी। तो हम इसका विरोध करते हैं, उसकी जरूरत नहीं थी उन चीजों को उसमें जोड़ने की। बाप की हमसे पूछ रहे हो कहाँ के रहने वाले थे, क्या कब जन्म उनका हुआ, हम नहीं बताएंगे, नहीं बता सकते। दूसरा, ये जो संशोधन किया है नागरिकता कानून में, एक नागरिकता कानून था जिसको आप शॉर्ट में CAA कहते हैं, अमेंडमेंट एक्ट, इसमें हमारे संविधान की हम क्यों मुखालफत करते हैं? वो मोदी जी कहते हैं कि इसमें तो नागरिकता देने की बात है, लेने की बात नहीं है। इसके निहितार्थ देखिएगा, इसमें जो चीजें हैं, हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन यहीं से शुरू होता है, वी पीपुल द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। उसने बहुत साफ लिखा है कि हमारा ये देश, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, नस्ल के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, जाति के आधार पे कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो संविधान के जो मूल भावना है उसमें चोट मारी जा रही है, इसलिए हम मुखालफत में हैं और पूरा मुल्क मुखालफत में खड़ा हो रहा है। तीसरी बात, एनआरसी की जो तैयारी है, मैं तो कल एक न्यूज पढ़ रहा था, अनवरा तैमूर, नाम आप लोगों ने कभी सुना है, ये 1980 में 6 अगस्त 1980 को इन्होंने आसाम में चीफ मिनिस्टर की शपथ ली थी और 30 दिसंबर तक ये 6 महीना वहां पे पूरा ये चीफ मिनिस्टर रही है। 1972 में वो एमएलए थी आसाम में, 76 में एमएलए थी, उसके बाद इलेक्शन हुआ उसमें भी एमएलए थी, फिर 88 में पार्लियामेंट के लिए नॉमिनेट हुई और उसके बाद फिर 92 में फिर एमएलए हुई, 5 टर्म की एमएलए, उनका एनआरसी में वहां नाम नहीं है। उनको पता चला वो ऑस्ट्रेलिया से आ रही है, अपने बेटे के साथ रह रही है, उनका घर आज भी है, बंद है, आसाम में है। तो ये है एनआरसी, कैसे कैसे लोगों का नाम छोड़ा जा रहा है। मिलिट्री में बहुत सारे अफसर थे, उनका नाम नहीं लिया जा रहा है, छोड़ दिया जा रहा है। खैर, वो लंबी बात हो जाएगी। तो हम इसका विरोध करते हैं और इस विरोध को दबाने के लिए स्टूडेंट्स जो पूरे मुल्क में यूनिवर्सिटियों से बाहर आ गए, ठीक 1920 का समय है जब यूनिवर्सिटी छोड़ चुके लड़के निकले थे आजादी की लड़ाई लड़ने, मुझे दिखाई दे रहा है इतिहास का, जिनको ज्ञान है वो ये समझ सकते हैं कि ये दूसरी आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी है।
ये दबने वाली नहीं है, इसको दमन से नहीं दबा सकते। जहां मिल्लिया में जिस तरीके से आपने दमन चक्र चलाया, अपने आप में कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लड़कों को दबाने की कोशिश की, लेकिन वो दब नहीं रहा है और न दबेगा। ये आग जलेगी और जला देगी आपको, आपको खाक में मिला देगी। राजपाट आपका तो चला जाएगा, सुरखरू होंगे हमारे लोग, यही लोग हैं जिन्होंने जिनके आबाओ अजदाद ने मुल्क को आजाद कराया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पूरा आजम रखिए। आखिरी बात एक लाइन की कि डिसिप्लिन किसी भी लड़ाई को मजबूत करती है, डिसिप्लिन टूटती है लड़ाई कमजोर होती है। एक एक बदनुमा दास तो हमारे ऊपर उस दिन लगा 16 तारीख को अति उत्साह में, लड़के जो विरोध करने वाले चले गए थे, कौन लोग थे जो उसमें आके घुस गए और इस तरीके से नौजवानों को अपना टूल्स बना लिया उन्होंने। वो चीज रिपीट ना होने दीजिएगा, पूरा पूरा मन रखिए लड़ाई को। ये जो नागरिक मंच है, देखिए सारे लोगों ने अपनी पहचान, यहां कोई झंडा नहीं दिखाई दे रहा है। मैं कम्युनिस्ट पार्टी से हूं, कांग्रेस के लोग भी हैं, लेफ्ट के दूसरे लोग भी हैं, सब लोग हैं। आजादी की लड़ाई में यही हुआ था, अलग अलग पार्टियां कांग्रेस को एक एक मंच बना था, उस पर लड़ रही थी। तो अब मुल्क के खेतों और खलिहानों तक ये बात ले जानी है, मोहल्लों तक ले जानी है। ये लड़ाई लंबी चलेगी और उस लड़ाई का हिस्सा हमें बनना है। इस हुकूमत को ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू भूखों को जंजीरों से डरवाता है, मगर याद रख भूखा उन जंजीरों को खा जाता है, भूखा उन जंजीरों को खा जाता है। मैं अपने शहर के चेयरमैन भाई तैयब पालकी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आपसे बातचीत करें। मजबूर हैं सड़कों पे आने के लिए, धरना प्रदर्शन के लिए, क्यों? क्योंकि हमें एक बहुत बड़ा मसला, जो हमारी शहरियत का मसला, हमारा शहरियत के मसले पे, आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले संविधान की प्रस्तावना हर ऑफिसों में हर जगह पढ़ी गई और उसमें मूल सिद्धांत जो है उपासना की आजादी, धर्म और लिंग का भेद जो बताया गया है, बोलने की आजादी, सब उसके खिलाफ सरकार कर रही है। सरकार जो प्रस्तावना पूरे देश में पढ़ी गई उसके सारी मूल भावनाओं के खिलाफ काम कर रही है। ये एनआरसी जो एनपीआर जो ले आने का फर्स्ट स्टेज है और उन्होंने खुद उसके उसमें लिखा है, और उसके बाद ये जो सीएए है, सीएए बताइए किसी को, 4 साल 14 के पहले का कागज रहेगा तो उनको नागरिकता दे देंगे, हमको 71 के पहले का कागज चाहिए। ये इस तरह का हिंदू मुस्लिम भेदभाव क्यों कर रहे हैं? देश को तोड़ने का काम आप कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इकट्ठा हैं कि हम देश टूटने नहीं देंगे, देश का बंटवारा नहीं होने देंगे, हम देश एक है और हम इस देश में अराजकता नहीं फैलने देंगे। हिंदू और मुस्लिम, सिख ईसाई सब ने मिलकर के इस आजादी को लड़ा है, जेल की मुसीबतें सही और फांसी के फंदे को चुमा है। तो इस मेला पे हम लोग इकट्ठा हैं, हम बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम इकट्ठा हैं कि ये अगर हमने ये तहरीक नहीं चलाई तो ये हर चीज में कामयाब हो जाएंगे। हमें ये तहरीक चलाते रहना है और इसके लिए लड़ाई लड़ना है, और इसको जब तक ये खत्म नहीं करेंगे, एनआरसी का जो इनका मंसूबा है जब तक खत्म नहीं होगा, सीए का जो है मंसूबा है जो देश को बांटने का, जब तक खत्म नहीं होगा हम तब तक चैन नहीं लेंगे। तो इस बेला पे हम लोग नारा देते हैं, सीए मुर्दाबाद, सीए वापस लो, वापस लो। धन्यवाद। मैं आपका ध्यान जो है मुजफ्फरनगर के तरफ ले जाना चाहता हूँ। सवाल यह जो है वो हमको न जाने, मैं एक दिन पढ़ रहा था
लोक लहर और उसमें देखा। जैसा कि जितने वक्ता साथी अपने विचार दिए, सबके विचार में अपने को संबद्ध करते हुए एक चीज आपसे कहना चाहता हूं। बात कहूंगा आगे, बहुत बातें बढ़ जाएंगी, लेकिन इतना जरूर आपसे कहना चाहता हूं, यह देश गुलाम था, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, भारत माँ गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए करा रही थी, और उस समय आवश्यकता थी देश को आजाद कराने के लिए। तो देश को आजाद कराने के लिए हमारे भारत देश के सभी लोगों ने अपनी बलि देने का काम किया, और वह भी दिन था जब लोगों ने आजादी का वह सूर्य नहीं देखा, लेकिन इस प्रत्याशा में कि आज हम लोगों की बलि देंगे और कल हमारी ये भारत माँ आजाद होगी, इस प्रत्याशा में अपने को लहू देने का काम किया था, अपने को न्योछावर होने का काम किया था, तब वह पहला सूर्य दिखाई दिया जब हमारा देश आजाद हुआ था। लेकिन इस आजाद भारत में भी गुलामी का जीवन बसर करने के लिए वह लोग जो हम सभी लोगों को मजबूर करने का काम किए हैं, आज उन्हीं लोगों से लड़ाई छिड़ी हुई है। एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, यह भारत माँ आजाद हुई और लोकतंत्र में आपको अधिकार मिला और केंद्र में सत्ता बनाने का अधिकार मिला, यह 17वीं लोकसभा है। पहली लोकसभा में जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए थे, आज 17वीं लोकसभा है, और मैं कहना चाहता हूं आपसे, न यह पहले प्रधानमंत्री है न आखिरी प्रधानमंत्री होंगे, यह देश किसी के बाप की बपौती नहीं है, यह देश अभी आगे जाएगा और ऐसे ऐसे तमाम लोग आएंगे और चले जाएंगे, और वही स्थिति हमारे उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में भी ये 17वीं विधानसभा में यह जो योगी जी बैठे हुए हैं, ये अपने कर्तव्यों को देखने का काम कर लेंगे, ये आखिरी व्यक्ति नहीं है, इनके आगे भी विधानसभा की संरचना होगी, आगे भी विधानसभा चलने का काम करेगी, और यह नाथुरा राम गोडसे की औलाद जो आज पूरे देश में आतंक का माहौल फैलाने का काम किया है, पूरे देश में आतंक का माहौल लगा हुआ है, देश में 29 प्रांत हैं और 29 प्रांत में लड़ाई लड़ाई चली जा रही है, कहीं ना कहीं पूरा देश तबाह है, पूरा देश तबाही के कगार पर पहुंचा हुआ है। इसलिए कहना चाहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐलान करके कहने का काम किया है कि कोई साथी फार्म भरने का काम नहीं करेगा, कोई साथी भी अपना प्रमाण पत्र देने का काम नहीं करेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ऐलान करके कहने का काम किया है। और एक बात साथियों आपसे कह देना चाहता हूं, चूंकि समय अभाव है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक ऐलान करके कहने का काम किया है कि अगर हमारी सरकार 2022 में बनती है, जितने लोगों पर यह मुकदमा कायम किया जा रहा है, जितने लोगों पर को गलत तरीके से फंसाने का काम किया जा रहा है, सबका यह मुकदमा वापस किया जाएगा, यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, उन्होंने घोषणा करने का काम किया है। आज साथियों यह समाजवादी पलटन जो नीचे भी बैठी है और मंच पर भी बैठी है, यह समाजवादी पलटन के साथियों आपके इस लड़ाई में तन से मन से और धन से हम सभी लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं फारूक दिलकश को आवाज दूंगा, वो आए लेकिन ज्यादा रगड़े के नहीं, एक शेर को एक मर्तबा 3 मिनट के अंदर अपनी नजम को पेश करेंगे, रगड़ना नहीं है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहीं रगड़ेंगे तो हिंदुस्तान आजाद कैसे होगा। आइए, वक्त कम है, चंद शेर में बगैर किसी तमीज के पढ़ता हूँ, थोड़ा सा खामोशी अख्तियार कर लें। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, मोदी योगी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, मोहिबाने वतन हम हैं, वतन की शान रखते हैं, जहाँ सरहद बहू मांगे वहाँ हम जान रखते हैं, पड़ोसी मुल्क से कह दो न फेंके तंग के पत्थर, हम अपने दिल के शीशे में ये हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के शीशे में ये हिंदुस्तान रखते हैं। 3 मिनट का वक्त मिला है। ये जो झूठ फैलाने वाली ताकतें रोज झूठ बोल रही है, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, कानून मंत्री, सब झूठ बोल रहे हैं, उसी संसद में रहने वाले सालिम भाई से मैं चाहता हूं कि आप लोगों से बातचीत करें। अध्यक्ष मंडल के साथियों, मंच पे हम सबके नेता
मोहतरम कामरेड इम्तियाज साहब, मेरे बड़े भाई सुधाकर सिंह जी, बैजनाथ पासवान जी हमारे बड़े पुराने शुभचिंतक हैं, भाई अल्ताफ जी, हमारे नत्थूपुर के पूर्व विधायक अमरेश चंद पांडे जी, तैयब भाई, गोपाल राय जी, भाई आनंद जी, सफीद डायमंड जी, तमाम मंच आसीन भाई ऐनुल मुजफ्फर साहब, भाई अर्चना उपाध्याय साहिबा, राजकुमार सिंह हमारे मित्र हैं, पीछे नाम न लूं तो मुझे ढकेल देंगे इसलिए डर लगता है, उधर भाई कुद्दूस अंसारी साहब, भाई अरशद जमाल साहब, धर्म प्रकाश यादव जी जो अभी आपसे बात कर रहे थे, और तमाम मऊ के कोने कोने से आए इस एनआरसी सीएए एनपीआर के खिलाफ अपने गमों गुस्से का इजहार करने आप आए हैं, अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराने आए हैं, इसलिए मैं मऊ नागरिक मंच की तरफ से आप सबका दिल की गहराइयों से यहाँ इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, हमने अपील किया था, प्रशासन डरा हुआ था कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमने कहा मऊ की तारीख रही है, यहाँ बड़े बड़े संघर्ष हुए हैं, बड़े बड़े आंदोलन चले हैं, जो जर्रा यहाँ से उठता है वो नैयर आजम होता है, एक तारीख रही है, यहाँ कुछ नहीं होगा, हमारे लोग जब यहाँ नागरिक मंच अपील कर देगा तो शांतिमय ढंग से जैसे आए हैं उसी तरीके से प्रोग्राम खत्म करने के बाद अपना ये प्ले कार्ड, ये राष्ट्रीय झंडा जो हम सब का सम्मान बढ़ाता है, यहाँ मंच पे जमा करके आप जाएंगे। जैसे अमन पसंद तरीके से आए हैं उसी तरीके से अमन पसंद तरीके से जाएंगे। क्या 70 साल की आजादी के बाद जब अंग्रेजों की सरकार थी तो अंग्रेज भी इस मुल्क में एआरसी लाए थे, लेकिन उस जमाने के महात्मा गांधी ने, उस जमाने के जवाहरलाल नेहरू ने यह ऐलान किया कि हम तेरा कोई फॉर्म नहीं भरेंगे, और अंग्रेजों को अपनी एआरसी वापस लेनी पड़ी। तो तुम तो हमारे ओर से चुने गए हो, अय योगी, अय मोदी और अय अमित शाह, जो आप अहंकार में बोल रहे हो, बड़ों बड़ों का अहंकार इस मुल्क की जनता ने देखा है, खत्म हो जाओगे। इसलिए जब जनता का वोट लेना था तो आप कहते थे मेरे देश के नागरिकों, वोटरों, और जब वोट ले लिया तो कहते हैं अब फला चीज दिखाओ, ये लाओ वो लाओ, तमाम चीजें मांग रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं उस मंच के माध्यम से कि आपको कुछ नहीं देना है, कोई साथी नहीं देगा कुछ। और अभी हमारे साथी कह रहे थे माले के कि दरवाजा बंद कर देना और कहना आप जाओ, हम कुछ नहीं आपको दिखाएंगे। मेरे दोस्तों, इस आजाद भारत की आज तस्वीर ये दूसरी बना रहे हैं। आप सोचिए, उस जमाने में लड़ाई के समय सब ने संघर्ष किया, लड़ाई के बाद देश आजाद हुआ, दुर्भाग्य से अंग्रेजों के चाल से ये मुल्क बट गया। मुझे याद है हमारे दादा सर पे पगड़ी बांध करके जा रहे थे, दिल्ली पहुंचे, मौलाना अबुल कलाम आजाद की स्पीच हो रही थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब कह रहे थे कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, ये जमुना का पानी, जिस पानी से आपके लोगों ने वजू बनाने का काम किया, ये दिल्ली की जामा मस्जिद की चार मीनार आपको याद कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हो। हमारे दादा ने कहा कि ये मीठी मीठी तकरीर कर रहा है लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा। मेरे दादा गठरी लेके आगे बढ़े, आगे गांधी जी लाठी लेके मिले, उन्होंने कहा सत्यम शिवम सुंदरम, उन्होंने मेरे दोस्तों जब ये कहा कि इस मुल्क में सबको सम्मान मिलेगा, सबको इज्जत मिलेगी, लेकिन हमारे दादा ने कहा ये बूढ़ा लाठी लेकर के हमारी क्या रक्षा कर पाएगा, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, हम जा रहे हैं। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अंबेडकर साहब मिल गए, अंबेडकर साहब ने कहा कहाँ जा रहे हो, उन्होंने कहा ये मुल्क हमारे रहने योग्य नहीं, हम जा रहे हैं।
अंबेडकर जी ने कहा यह संविधान है। हमारे दादा ने पूछा क्या है इस संविधान में, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या है इस संविधान में, तो अंबेडकर साहब ने कहा कि इस संविधान में सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेक्रोमेसी है, डेमोक्रेसी है। हमारे दादा ने गठरी उतार दिया और कहा कि नहीं हम यहीं रहेंगे। तो हमारे लोगों ने मौलाना अबुल कलाम आजाद की टोपी पे, गांधी जी की धोती पे और मेरे दोस्तों अंबेडकर के संविधान पे विश्वास करके इस मुल्क में रहे। आज 70 साल के बाद आप कह रहे हो कि एनआरसी होगी, इस मुल्क में आप बांटने का काम कर रहे हो। क्या किया आपने आसाम के अंदर 14 लाख लोगों में जब 9 लाख हिंदू आए उस जद में, तो इनके होश उड़ गए और कहने लगे अब तो गड़बड़ हो गया। फिर कह रहे हैं कि अब हम ACC लाएंगे, CAA लाएंगे, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि हम NPR लाएंगे, भाषा बदल गई। ये दोस्तों सही बात ये है कि इस मुल्क में जो इन्होंने वादा किया था कि हम 2 लाख नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, सबको सम्मान देने की बात कही थी, सबका सम्मान और विकास करने का बात का वादा किया था, लेकिन मेरे दोस्तों ये कुछ कर नहीं पाए। आज ये मुल्क की GDP देखिए आप कितना घट रही है, 4% पे आकर रुक गई। इससे अच्छा तो बांग्लादेश है जहां 8.8 पॉइंट कुछ हो गई उनकी। तो इसलिए आपका हमारा दिमाग बांटने के लिए मेरे दोस्तों इस बात को समझने की जरूरत है, हमारे आपको दिमाग को बांटने के लिए वो घुमा रहे हैं दूसरी तरफ। इनके पास कुछ बचा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है। इसलिए मेरे दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज ये कहते हैं सर ये तरमीमी कानून के तहत कि आपका है नहीं यहां, क्या नहीं भाई हमारा, जितना हक आपका उतना हक हमारा, जितना हक आपका है उतना हमारा भी है। हम इस देश के नागरिक हैं, नागरिक रहेंगे और हम आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करने देंगे कि हम आपको कागज दिखावें, हम आपको दुनिया भर का फॉर्म भरें। जो आप करना चाहते हो वो जनता देश की नहीं करना चाहती। आज बड़े पैमाने पे देश में विरोध हो रहा है, लोग मुखालफत कर रहे हैं, आज उसी का एक छोटा सा प्रतीक है इस कलेक्टी के धरना स्थल पे। आज ये एक नमूना है जो बड़ी तादाद में आप सब तशरीफ लाए हैं, आप इसका विरोध कर रहे हैं। अभी हमारे अधिकारी आएंगे, मैं मूर्ति जी से चाहूंगा कि मांग पत्र जो हमारा तैयार है जो राष्ट्रपति साहब को जाएगा वो पढ़ के आपको सुनाएंगे, आप उसको हाथ उठा के पास करेंगे, फिर अधिकारी आएंगे उसको लेंगे और मेरे ख्याल से 3 बजे इस धरने का समापन होगा। मुझे बात लंबी नहीं करना है, मैं चाहता हूं कि आप ठंडा गए हैं, एक बार हल्का सा नारा लगा करके फिर अनमित मूर्ति जी आएंगे और ये आपको वो मांग पत्र पढ़ के सुना देंगे, आप पास करेंगे, अधिकारी आएंगे लेंगे। उसके बाद मौली इकबाल साहब और नागरिक मंच ने आपको पानी पीने का भी इंतजाम किया है, घटौरी बड़ी शानदार बनी है, सब लोग खा के जाएंगे, सबके लिए बनी है, सब लोग खाएंगे, पानी पिएंगे, अपना झंडा डंडा जमा करेंगे और जिस शांति के साथ आप आए हो उसी शांति के साथ आप सबको जाना है, ताकि किसी अधिकारी को ये कहने का मौका न मिले कि आपके लोगों ने कानून को हाथ में लिया। मैं समझता हूँ कि इन बातों पे आप पालन करोगे और मेरी बात को मानेंगे, इसलिए मैं 2-4 नारे लगा के अपनी जगह लूंगा। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। अरे भाई ऐसे बोलेंगे तब तो खूब हटा, तेज बोलिए जरा दिल्ली तक आवाज जाए। इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब, इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब। बहुत अच्छे, शुक्रिया, धन्यवाद। बस साथियों हमारी आयोजन समिति के जो कन्वीनर हैं, इत्मीनान से बैठ जाइए 2 मिनट, बहुत अहम ये जो आपका प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव पढ़ करके हमारे कन्वीनर अरविंद मूर्ति जी आपके सामने रखेंगे
और आप सभी लोग इसका हाथ उठा करके समर्थन करेंगे। जो मेमोरेंडम यहाँ से जाने वाला है हुकूमत हिंद को और सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस को, वो प्रस्ताव अब पढ़ने जा रहे हैं अरविंद मूर्ति जी। साथियों, यह प्रस्ताव माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट भारत नई दिल्ली, माननीय राष्ट्रपति महोदय भारत गणराज्य राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली, माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय नई दिल्ली, माननीय सभापति महोदय राज्यसभा नई दिल्ली और माननीय राज्यपाल महोदय राजभवन लखनऊ उत्तर प्रदेश के नाम जिला अधिकारी मऊ के द्वारा भेजा जाएगा। महोदय, आज 13/1/2020 को मऊ नागरिक मंच की तरफ से मऊ जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में सरकार की जन विरोधी नीतियों, संविधान विरोधी नागरिकता संशोधन कानून NRC NPR के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया और मऊ उत्तर प्रदेश की जनता के तरफ से निम्नलिखित मांग पत्र प्रस्तुत है। पहला, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC कानून बनने के बाद रद्द किया गया। जो लोग ये बात कह रहे हैं वो गलत बात कह रहे हैं कि अब ये कुछ नहीं हो सकता, संसद से पारित है। 2013 के अंदर पूरे पूर्ण बहुमत से, जिसका कोई विरोध भी नहीं हुआ था संसद के दोनों सदनों में, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कानून पारित हुआ था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसे रद्द किया। उसी की तरह हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग करते हैं कि संविधान विरोधी संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन कानून को रद्द किया जाए। दूसरा, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक आवाजों पर चौतरफा हमला बोल दिया गया है। अभी तक उत्तर प्रदेश में दर्जनों से ज्यादा लोग पुलिस की हिंसा में मारे जा चुके हैं। ऐसे वीडियो के प्रमाण मिल रहे हैं जिनमें पुलिस इस्लाम मजहब के मानने वालों को भद्दी भद्दी सांप्रदायिक गालियां व जान से मारने की धमकी दे रही है और उनके घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ कर रही है। इसको स्वयं संज्ञान में लेकर आप द्वारा कार्रवाई की जाए और राज्यों द्वारा पुलिस के बल पर जनता के दमन पर रोक लगाने हेतु सर्वोच्च न्यायालय उचित दिशा निर्देश तत्काल जारी करे। पुलिस एवं सशस्त्र बलों द्वारा नागरिकों को कमर से ऊपर गोली मारने पर मरने वालों की हत्या का मुकदमा गोली चलाने वालों पर दर्ज किया जाए, ऐसा बाध्यकारी निर्देश सर्वोच्च न्यायालय दे। चौथा, उत्तर प्रदेश के कई शहरों अलीगढ़, जामिया, JNU सहित देश भर के विश्वविद्यालयों में किए गए पुलिसिया दमन की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिक न्यायिक जांच कराई जाए। पांचवा, विरोध प्रदर्शनों में शामिल गैर भाजपा राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, आम नागरिकों को जेलों में डाला जा रहा है। पुलिस द्वारा प्रदर्शन में शामिल निर्दोष नागरिकों की फोटो पोस्टर अखबारों में छाप कर उन्हें वांटेड की नोटिस जारी की जा रही है। इस पर रोक लगाई जाए और हिंसा में जो संपत्ति का नुकसान हुआ है उसकी वसूली भेजने की प्रक्रिया को रद्द किया जाए। मऊ सहित उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR में जांच कर निर्दोषों से मुकदमा वापस लिया जाए। और यहाँ प्रेस और मीडिया के बड़े साथी हमारे हैं, हम सब मांग करते हैं, हमारी सातवीं मांग है कि प्रेस और मीडिया की निष्पक्षता हेतु पत्रकारों के लिए बनाए गए मजीठिया बेज बोर्ड की सिफारिशों को सर्वोच्च न्यायालय
राज्य सरकारों और केंद्र की सरकार को तत्काल निर्देश दे कि वो लागू करे और ये गोदी मीडिया का चलन इस देश से खत्म हो, देश का चौथा स्तंभ जिंदा रह सके। आठवीं मांग हमारी है कि हमारे आईन के, संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और आमदनी में हो रही गैर बराबरी पर रोक के लिए सरकारों को बाध्यकारी निर्देश सर्वोच्च न्यायालय जारी करे। ये हमारा 8 सूत्री मांग पत्र है। हम आपसे ताईद करते हैं कि आप दोनों हाथ उठाकर इसका समर्थन करें। मैं आप बैठिए, बैठिए, आप अपनी जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठिए। हम सबके बीच नगर मजिस्ट्रेट साहब आ चुके हैं, बैठे रहिए। मैं उनसे चाहूंगा कि सालिम भाई उनको ये मांग पत्र देंगे। जगह बताइए भाई। आज मऊ नागरिक मंच की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसे माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के कार्यालय में पहुंचा दिया जाएगा। ये स्थिति आप देख रहे हैं, ये 15 अगस्त या 26 जनवरी की नहीं, बल्कि एक बार फिर देश को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए CA और NRC के विरोध में ये जुलूस निकाला गया था, जिसकी वापसी अब हो रही है। आप देख सकते हैं कि पूरा मऊ तिरंगामय हुआ है, तिरंगा से पूरा मऊ नहा चुका है। ज़बरदस्त तरीके से देशभक्ति की झलक दिख रही है यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में। इस समय हम कमरिया ओवरब्रिज में मौजूद हैं, जहाँ पर ये आप नज़ारा देख सकते हैं, और काफ़ी लंबी तादाद में इधर से लोग जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ शहर के दूसरे तीसरे हिस्से में भी जा चुकी है। ये भीड़ का 1/4 हिस्सा होगा, चौथा हिस्सा होगा जो आप देखने को आपको मिल रहा है यहाँ पर तिरंगे के साथ। देख सकते हैं कितने शांतिपूर्ण तरीके से लोगों की वापसी घर की ओर हो रही है। टोपी लगा के, पगड़ी लगा करके यहाँ तिरंगे को हाथ में थाम के शांति का पैगाम दिया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से काला कानून एनआर। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।